नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पर मैं ये दो क्वेश्चन लिया हूं। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन है। दोनों क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड हैं और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग एक ही कंसेप्ट से समझेंगे और इन्हें बहुत ही शॉर्ट टाइम में इन क्वेश्चंस को इफेक्टिव सॉल्यूशन हम लोग यहां पर करेंगे। तो आइए इन दोनों क्वेश्चंस को समझते हैं और इनका इफेक्टिव सॉल्यूशन यहां पर देखते हैं कि कैसे हम जल्दी से इसे कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग इसे एक चित्र के माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि ए एक बिंदु है और यहां पर ये एक बिंदु बी है। ए से दो गोलियां 6 मिनट के अंतराल पर दागी गई हैं। दो बुलेट्स 6 मिनट के अंतराल पर यहां से दागी जाती हैं। बी पर एक आदमी है जो पहली गोली सुनने की पहली गोली की आवाज 6 मिनट में सुनता है, 6 मिनट बाद सुनता है। ए से बी ये एक डिस्टेंस है, और बी पर एक आदमी है जो पहली गोली की आवाज उसे 6 मिनट बाद सुनाई देती है, और यहां से जो गोली दोनों दागी गई हैं वो भी 6 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। जैसे ही आदमी पहली गोली की आवाज सुनता है, ये गोली जिधर से चली है उधर चल देता है, और सपोज करिए कि यहां वो पहुंचता है तो उसको दूसरी गोली की आवाज सुनाई देती है। तो यहां जब वो पहुंचता है तो उसे 5 मिनट 52 सेकंड हो चुके हैं। जब वो यहां पहुंचा है सी पर, तो उसे 5 मिनट 52 सेकंड बी से चले हुए हो चुके हैं। यानी बी पर जैसे ही वो पहली गोली की आवाज सुना था तुरंत वो चल दिया था, और 5 मिनट 52 सेकंड जब वो चल चुका था तो उसको दूसरी गोली की आवाज सुनाई दी। यानी बिंदु सी पर उसे दूसरी गोली की आवाज सुनाई दी। इस क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बी से सी की जो ये डिस्टेंस है, इसको मान लीजिए हम लोग एक्स मान लेते हैं। यही इस क्वेश्चन का सबसे क्रीम पार्ट, सबसे मेन पार्ट जो समझना है। देखिए, गोली की आवाज ए पर जो छोड़ी गई है या दागी गई है वो बी पर सुनाई देती है। तो ये जो ध्वनि की चाल है वो 332 मीटर प्रति सेकंड है। इस स्पीड से ए से बी पर ध्वनि को पहुंचने में 6 मिनट लगे हैं। अब पहली बार जब व्यक्ति ये ध्वनि सुना तो वो तुरंत चल दिया है, और दूसरी गोली जो कि 6 मिनट के बाद वो छोड़ी गई थी, पहली गोली के 6 मिनट बाद वो छोड़ी गई, तो दूसरी गोली इस आदमी को 5 मिनट 52 सेकंड पर सुनाई दी। यानी जबकि वो उसी दिशा में चल रहा था जिस दिशा में वो गोली चलाई जा रही थी। तो ये जो एक्स डिस्टेंस है, इस एक्स डिस्टेंस को ध्वनि ने 8 सेकंड में तय किया है। देखिए, 5 मिनट 52 सेकंड में इसी डिस्टेंस को आदमी ने तय किया, और इसी डिस्टेंस को ध्वनि ने, यानी सी से बी तक ध्वनि को पहुंचने में 8 सेकंड लगेगा, क्योंकि यहां तक ये 5 मिनट 52 सेकंड इस ध्वनि ने ए से सी तक आने में 5 मिनट 52 सेकंड टाइम लिया है। तभी ये यहां पर वो आदमी पहुंचा तो उसको सुनाई दी, और ये आदमी बी से सी तक पहुंचने में 5 मिनट 52 सेकंड टाइम लिया। इसका अर्थ है कि ध्वनि सी से बी तक जाने में ध्वनि को अब 8 ही सेकंड बचा था। 8 सेकंड में ही वो सी से बी तक पहुंच जाती, और ए से सी तक ध्वनि को आने में 5 मिनट 52 सेकंड लगे हैं, और इतने ही टाइम में ये आदमी बी से सी तक पहुंचा है, यानी 5 मिनट 52 सेकंड टाइम ये लिया है। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस है
एक्स, इस एक्स डिस्टेंस को ध्वनि ने 8 सेकंड में तय किया और आदमी ने 5 मिनट 52 सेकंड में तय किया। तो कंसेप्ट इसमें यह है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस निश्चित हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो जो स्पीड होती है, जो स्पीड होती है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, यानी स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका अर्थ है कि S1 अपान S2, यानी अगर दो चीजें हैं और उनकी स्पीड का रेशियो अगर S1 अपान S2 है तो उनका टाइम का रेशियो T2 अपान T1 होगा। इसका अर्थ है कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसका कम समय लगेगा उसी डिस्टेंस को तय करने में, और जिसकी स्पीड कम होगी उसको उसी डिस्टेंस को तय करने में ज्यादा समय लगेगा। अब इसी कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहां पर आपको एक चार्ट बनाता हूं, एक टेबल बनाता हूं, और यहां पर लिखता हूं टाइम और यहां लिखता हूं स्पीड। तो यहां साउंड ने इसी एक्स डिस्टेंस को 8 सेकंड में तय किया, 8 सेकंड में तय किया, और इसको मैन ने इसी दूरी को 5 मिनट 52 सेकंड में तय किया। तो हम लोग इस 5 मिनट 52 सेकंड को भी सेकंड में बदल लें, तो 5 मिनट को 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में 300 सेकंड हो जाएंगे, और 52 सेकंड और इसमें जोड़ देंगे तो ये 352 सेकंड हो गया। तो मैन ने उसी डिस्टेंस को 352 सेकंड में तय किया है जिस डिस्टेंस को साउंड ने 8 मिनट में तय किया। तो इनका ये रेशियो हो गया 8, यानी 8/352। अगर हम इसे छोटा कर लें तो देखिए, अगर ये 8 से हम इसे भाग देते हैं तो 8 × 32 और 8 × 32, देखिए 8 × 8 और ये 44 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहां पर आपको रेशियो मिल गई 1/44। ये रेशियो स्पीड में उल्टी हो जाएगी, यानी 44/1 हो गया। यहां पर स्पीड साउंड की 44 मीटर पर सेकंड है और मैन की स्पीड 1 है। ये 44 इक्वलेंट है 330 मीटर पर सेकंड के, ये इक्वलेंट है। इसका मतलब कि देखिए 11 × 44 और 11 × 33 4 × 30 की इक्वलेंट है, तो 1 किसके इक्वलेंट होगा, तो 1 इक्वलेंट हो जाएगा 30/4 के, और ये मीटर पर सेकंड में है। अब इसे हम लोग किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए इसमें 18/5 से गुणा कर देंगे, तो 30/4 × 18/5, क्योंकि ये 5 × 6 = 30 हो जाएगा, और इसको हम लोग काट सकते हैं 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4 और 2 × 9 = 18 और 9 × 3 = 27, यानी 27 किलोमीटर पर आवर मैन की यानी आदमी की चाल आ गई। तो इसमें आदमी की जो चाल आ गई वो 27 किलोमीटर पर आवर है। देखिए यहां पर इसे समझना था तो मैंने बेसिक तरीके से, और जो इसमें मेन कंसेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है वो आपको मैंने बताया। इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग जो इंग्लिश में है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंजलि फायर्स 2 bullets फ्रॉम द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 6 मिनट, बट भागवत सीटिंग इन ए कार अप्रोचिंग द प्लेस ऑफ फायरिंग हियर्स द सेकेंड फायर्स 5 minutes 32 seconds आफ्टर द फर्स्ट फायरिंग, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अंजलि एक स्थान से 6 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां दागती है। भागवत एक व्यक्ति है जो कि एक कार में बैठा है, उसको पहली गोली की आवाज 6 मिनट बाद सुनाई देती है, और जैसे ही वो पहली गोली की आवाज सुनता है जिधर पर से बुलेट दागी गई यानी गोली दागी गई है उधर ही वो कार से चल देता है। उसको दूसरी गोली की आवाज 5 minutes 32 seconds बाद सुनाई देती है। तो यदि ध्वनि की चाल यानी साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकंड हो तो कार की स्पीड क्या होगी। इस क्वेश्चन में भी वही चार्ट इस्तेमाल होगा,
कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये है जहां से बुलेट दागी जा रही है, ये दो बुलेट दागी जा रही है, और यहाँ पर बी है जहां पर आदमी कार में है। तो ये जो बुलेट है ये 6 मिनट के इंटरवल पर यहाँ पर आदमी इसे सुनता है, और जैसे ही पहली गोली की आवाज सुना वो इधर चल दिया, और सपोज करिए कि यहाँ पर आ गए यानी सी पर आया, तो ये आदमी बी से सी तक पहुंचने में 5 मिनट और 32 सेकंड टाइम लिया है, जबकि ए से सी तक ध्वनि पहुंचने में भी यही टाइम लिया, 5 मिनट 32 सेकंड। इस साउंड ने टाइम लिया है, तो साउंड ने ए से सी तक पहुंचने में 5 मिनट 32 सेकंड का टाइम लिया, और आदमी बी से सी तक पहुंचने में ये टाइम लिया। क्यों? क्योंकि जब आदमी पॉइंट सी पर पहुंचा है तब उसको दूसरी गोली की आवाज सुनाई दी है। अब यहां पर जो हमने एक्स माना था ये महत्वपूर्ण हो गया, इस एक्स डिस्टेंस को यानी बी से बी सी को साउंड ने कितने टाइम में इसको ट्रेवल किया, तो देखिए ये 6 मिनट में से 5 मिनट 32 सेकंड माइनस कर देंगे, 6 मिनट में से 5 मिनट 32 सेकंड माइनस कर देंगे, तो देखिए यहां पर आपको 60 सेकंड लेना पड़ेगा। यहां पर 6 मिनट है तो 1 मिनट यहां पर आप 12 लेंगे तो ये 60 मिनट हो जाएगा, 60 में से 32 माइनस करेंगे तो ये 28 सेकंड बचेगा। तो 28 सेकंड टाइम इस एक्स डिस्टेंस को साउंड ने लिया है, इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, और इसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कार ने 5 मिनट 32 सेकंड लिया है। तो वही यही बात हो गई कि अगर स्पीड सेम है, अरे डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो हम लोग अगर यहाँ पर टाइम की बात करें तो टाइम, और यहाँ पर स्पीड की बात करें तो ये जो साउंड की स्पीड है, ये एस से हम साउंड दिखा रहे हैं, तो साउंड ने टाइम लिया है, साउंड ने 28 सेकंड टाइम लिया है, और कार ने टाइम लिया है। देखिए 5 मिनट 32 सेकंड को आप अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 300 और इसमें 32 और जोड़ देंगे तो 332 सेकंड हो जाएगा, तो 332 सेकंड, तो 28/302 सेकंड ये रेशियो हो गया, और इसी रेशियो को यहाँ पर आप उलट देंगे तो ये हो जाएगा स्पीड का रेशियो। अब देखिए ये 332 इक्वलेंट है, यहाँ पर इस साउंड की स्पीड भी 332 मीटर पर सेकंड दिया है, तो अगर 332 इक्वलेंट है 332 मीटर पर सेकंड के, तो 28 भी इक्वलेंट हो जाएगा 28 मीटर पर सेकंड के, यानी कार की जो स्पीड होगी वो 28 मीटर पर सेकंड आ गई। तो आपने देखा कि सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी यूज हुआ, और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मुझे विश्वास है कि आपको ये सॉल्यूशन जरूर अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।